तो हेलो एवरीवन, आइए हम लोग कुछ अलजेब्रा का आइडेंटिटी देखते हैं जिस पे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें अगर रेलवे की या बात करें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, जो आइडेंटिटीज है यानी अलजेब्रा से आइडेंटिटी पे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए उस आइडेंटिटी को देखते हैं कि सर वो आइडेंटिटी हमारा क्या है, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सर एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर पी हो, फॉर्मेट पहले समझ लो, देन एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी बता दूंगा और डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, है ना। एक्स प्लस वन बटे एक्स यानी यहाँ पे जो भी है उसका रेसिप्रोकल का वैल्यू अगर पी दिया हो, पी हो, पावर हमें अगर दो गुना में जानी हो यानी एक्स का पावर टू प्लस वन बटे एक्स का पावर टू, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है मेरे सरकार, पी स्क्वायर माइनस क्या होगा, टू होगा। यानी एक्स प्लस वन बटे एक्स यानी एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर पी हो, पावर दो गुना में जाना हो, इसका स्क्वायर करेंगे, दो को माइनस कर देंगे। याद रहना चाहिए प्लस से प्लस में जानी है ना। अगर बात करें, चलो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, है ना। जैसे बात करें एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर, याद है एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर मान लो जैसे सेवन है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर यानी पावर दो गुना में, जरूरी नहीं कि एक से एक्स स्क्वायर ही पूछे, हो सकता है कि एक्स का पावर फोर प्लस वन बट एक्स का पावर फोर दे दे और पावर एक्स का पावर एट में पूछ दे, यानी पावर दो गुना में पूछ दे, देन रिजल्ट होगा, सिंपल सी बात है, अभी हमने बताया पी स्क्वायर माइनस टू, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, सात का स्क्वायर क्या होगा, उनचास होगा और माइनस का दो, यानी कितना हो जाएगा जी, 47। आई होप इस बात को समझ गए होंगे, है ना। ठीक, अब कर दो।